thank you thank you thank you lots of thank you to my all lovely happy universe family and thank you so much for your precious love time and respect i heartily value a lot your time i heartily respect you a lot i heartily value a lot your yesterday videos precious comments thanks a lot for being the member of our blessed happy universe friends do you know so many times i think i have said you Quantity matters, but with quality, you know why I don't believe in quantity on my happy universe. I believe in quality of the persons who are just being added in our blessed universe because no one is like a diamond, diamond can recognize the diamond. So, friends, you are a diamond of our blessed universe. and thank you so much who are giving their own point of view regarding this spirituality session i respect you all and i wish you stay blessed and god give you a lots of prosperity health wealth in your life so keep smile और दिल से दिल कर रहा है आत्मा से दिल कर रहा है इस चैनल को देखने का तो आप देख सकते हैं नहीं तो आपकी मर्जी है हम यही दुआ करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने खुश रहें कि सच में आपको कोई चैनल ही ना देखना पड़े तो अपनी लाइफ को इन्जॉय करिए और जो हमारे लवली व्यूअर्स हैं जिनको मजा आता है इस चैनल को देखने का और हमारे साथ जुड़ने का ये हम उसके लिए भगवान का बहुत दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि वो हमें इस लाइक बनाते हैं सो थैंक यू सो मच एवरी और स्पेशल हर्ट इज़ थैंक्स टू आवर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स हु आर जस्ट गिविंग देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज थैंक्स अलाट एंड थैंक यू सो मच द अदर व्यूअर्स एंड थैंक्स अलॉट आवर गॉड गिवर फ्रेंड फ्रेंड्स फ्रेंड्स, एवरीवन, टूडेज टॉपिक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज हाउ मैनी टाइम यू हैव हर्ड दिस वर्ड रेस्ट इन पीस रेस्ट इन पीस मतलब कि क्या कहा जाता है कि आत्मा को क्या मिले शांति आत्मा क्या रहे शांति में रहे तो ये बात तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वीडियो को देखें तो एंड तक देखें अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे मतलब की नहीं है या मुझे पसंद नहीं आ रही है तो चॉइस आपकी है आप आप अपनी अकॉर्डिंग कोई और चीज़ देख सकते हैं और प्लीज़ अगर आप हमारे साथ अप्रिशिएट करते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे साथ रखिए हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे साथ भी अपने शेयर कीजिए जो व्यूज़ आपके पास हैं क्योंकि हर इंसान में बहुत सी नॉलेज है और बहुत सी विजडम है लेकिन जर्नी सबकी अलग अलग है तो पॉइंट ऑफ व्यू भी सबका अलग अलग होगा तो फ्रेंड्स बताती हूं आपको कि रेस्ट इन पीस का क्या मतलब है ये क्यों कहा जाता है एग्जाम्पल के तौर पे कल मैंने बात की कर्म की और कर्म का हमारे थॉट्स के साथ हमारी फीलिंग्स के साथ क्या कनेक्शन है देखिए अच्छा इंसान कौन है अच्छा इंसान आपको क्या लगता है कि अच्छे काम करने से क्या होगा अगर आप किसी को कुछ भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन अच्छे के साथ अगर हमारे मन में वो भाव नहीं है तो वो दुनिया में दिखने वाला अच्छा हमारे लिए उतना ही ना अच्छा होने के बराबर है जितना कि हम सामने दिखाते हैं तो हमें ज़िंदगी में सबसे पहले तो रियल होना चाहिए अब मैं आपको बात कह रही हूँ जैसे भीतर वैसे बाहर और वैसे बाहर वैसे भीतर तो बताती हूँ कि ये स्टेटमेंट मैंने क्यों कही और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी विद एग्ज़ैम्पल अब जैसे कि बात है कि कोई बच्चे होते हैं आपने देखा होगा जैसे छोटे होते बच्चे होते हैं और आप कहते हैं कि इस बच्चे में ना बहुत नॉलेज है इस बच्चे में बड़ों बच्चों जैसी कोई बात ही नहीं है ये बच्चा बहुत मेच्योरिटी लेवल है का है और या तो आप ऐसी चीज़ों को भी देखते हैं या कई ऐसे बचे ऐसे बड़े भी होते हैं जो बड़े होकर भी बहुत इमिच्योर होते हैं ठीक है तो वो बच्चे कौन से होते हैं जिनको आप कहते हैं कि यार इसमें तो कोई सुपर पावर है या ये बच्चा बहुत समझदार है एक्चुअल में क्या रीज़न है इसके पीछे आई एक्सप्लेन क्या होता है जब आप जिस पे भी आप बिलीव करते हैं और जितना भी मैंने अपने अकॉर्डिंग समझा है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अकॉर्डिंग मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ रख रही हूँ हो सकता है आपका अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कुछ और हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं अब बताती हूँ कि जैसे कोई भी इंसान है वो जिस भी अवस्था में रहता है किसी भी सिचुएशन में है उसके थॉट्स फीलिंग्स जो कुछ भी वो अपनी टंग से अपने लिए बोल रहा है वो सब कुछ जाता है हमारा स्पिरिट में हमारा खाना पीना हर चीज़ कहाँ जाती है स्पिरिट में आप जैसा खा रहे हो पी रहे हो वो भी जाता है स्पिरिट में अब क्या होता है आपने देखा होगा बहुत अच्छे कर्म करने वाले लोग भी बीमारियाँ देखते हैं आपने देखा होगा अपने आसपास और आपने आज तक यही सुना कि भाई अच्छों के साथ तो बुरा ही होता है नहीं जी आप गलत हैं अच्छों को जब समझ आ जाए अच्छा सोचने की और अच्छा फील करने की तो अच्छों के साथ अच्छाई ही अट्रैक्ट होती है अब एग्ज़ाम्पल कि वो अच्छा इंसान जब अपनी एंडिंग टाइम पे होता है क्या होता है वो जो अगर किसी को कोई बीमारी लग जाती है मान लीजिए भगवान से दुआ करती हूँ कि आपको कभी कोई हेल्थ का इशू ना हो हर इंसान सुखी रहे स्वस्थ रहे अगर वो इंसान बहुत दुख में मर जाता है मान लीजिए पेनफुल सिचुएशन है या कोई कैंसर है रख लीजिए तो क्या होगा उस टाइम पे जो उसकी सिचुएशन होगी वो पेनफुल होगी अब पेनफुल में वो पेन में तो अब यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है कि कैसी फीलिंग्स आएंगी उस टाइम पे बंदा वैसे ही बहुत होपलेस हो जाता है और सबसे ज़्यादा होपलेस वो तब होता है जब बहुत सारे लोग उसे देखने आते हैं अच्छा ये हो गया एंड दे आर गिविंग लॉट्स ऑफ सजेशन अकॉर्डिंग टू दियर केयर बट एक्चुअल में बात यह कि उस पर्सन के पास हमेशा हमें अच्छी बातें ही करनी चाहिए क्योंकि आप देखते हैं जब एंडिंग टाइम होता है तो उसको कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते हैं गीता का पाठ किया जाता है गौ पूजन किया जाता है अपने अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग हर रिचुअल के अकॉर्डिंग उस पर्सन के लिए किया जाता है उस टाइम पर वो पर्सन क्या होता है अंदर से डिप्रेस्ड होता जाता है उसको डर होता है मौत का और मौत एक्चुअल में मौत है क्या इस पर भी हम बात करेंगे लेकिन अब क्या होगा वो पर्सन कैसे थॉट्स जा रहे हैं उसके माइंड से नेगेटिव 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 और उस टाइम पे कॉन्टीन्यूशन में जब ये चीज़ें होती रहेंगी तो क्या होगा सोल निकल जाएगी बॉडी से ये जो शव है ये शिव नहीं बनता है ये क्या रह जाता है ये सिर्फ और सिर्फ शव बन के रह जाता है उस टाइम पे उसके बाद यही आत्मा इसी दुख में निकली हुई आत्मा क्योंकि क्या बात है एक्चुअल रीजन क्या है कॉन्टीन्यूशन में हर कर्म हम कर्म कर ही जा रहे हैं हमें पता नहीं है कि हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं हमने चेकिंग ही नहीं की कभी अपनी और उसी तरह से उसी दुख से निकली आत्मा किसी और के शरीर में जाएगी अब वो जन्म लेगी अब वो जो आत्मा है अगर तो वो बहुत अच्छे आदमी के अच्छी पॉजिटिव वाइज वाले पर्सन के शरीर से होकर निकली है जिसने अपनी इच्छा से सारे सुखों को भोग कर अध्यात्म में आगे जाकर स्पिरिचुअलिटी में आगे जाकर प्रेयर में जो भी आपका बिलीव है वहाँ से निकलने के बाद जब उसने अगला जो अपना बॉडी को चेंज किया तो वैसे ही वही आत्मा के गुण उस शरीर में जाएंगे तो अच्छी आत्मा गई तो वो बच्चा चाहे वो बच्चे के रूप में जन्म लिया उसने तो वो बच्चे की क्वालिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा समझदार होंगी वो बच्चा उतना ही ज़्यादा मेच्योर होगा आत्मा रिन्यू है ऑलवेज आपकी सोल ऑलवेज प्योर है बट सोल को कैसे हमने बना दिया अपनी फीडिंग से अपने कर्मों से वो सारी चॉइसेस सिर्फ और सिर्फ हमारी थी क्योंकि हम कॉन्शियस लेवल पे उतने कॉन्शियस नहीं थे ये बहुत डीप लेवल की बात है ये हर एक को समझ नहीं आ सकती और स्पेशली उसे तो नहीं आ सकती जो अपनी बॉडी में रहता है जिसको लगता है या मन में जीता है ये वही आएगा जिसको उस तक पहुंचने की तड़प है और वो आज ही आंसर उस इंसान को दे रहे हैं जिसको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था तो अगली बात बताती हूँ आपको अब आपने बहुत सी महान आत्माओं के बारे में सुना होगा जितने भी संत इस दुनिया में आए खुदा के लोग आए या सन ऑफ गॉड आए तो उन्होंने हमें अपने करैक्टरिस्टिक्स से हमें क्या सिखाया हमें क्या फॉलो करना था उनका नेचर उनका लाइफस्टाइल, उनकी प्रेयर लाइफ उनके कर्म करना उनकी क्वालिटीज़ वो कैसे रहते थे वो कैसे प्रेयर करते थे वो कितने बजे उठ के प्रेयर करते थे वो कैसे लोगों को माफ़ कर देते थे आप किसी पे भी विश्वास करते हैं चाहे आप किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं लेकिन आप जिस पे भी बिलू करते हैं, मीन्स यू हैव टू फॉलो दैट दैट लॉर्ड्स क्वालिटीज़ इन योर लाइफ आपको हमें ये नहीं कहा गया कि हमें एक दूसरे को सुनाएं या एक दूसरे के लिए पॉइंट आउट करें हमें एक्चुअल में उनका लाइफ और उनके वर्ड्स को फॉलो करना है तभी मैं आपको कहती हूँ कि वी हैव टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड कि जो कुछ उन्होंने हमें शब्द दिए हमें उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हुआ अब महान आत्माओं में कई ऐसी आत्माएं आई इस दुनिया में जिन्होंने मौत पे भी जय पाई एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर लॉर्ड शिवा को अगर आप देख लें तो उनको कहा जाता है कि वो महामृत्युंजय हैं ठीक है अगली बात करती हूँ अगर आप लॉर्ड जीजस को मानते हैं तो जीजस इज एवरी थिंग अबाउट पेशेंस कितने कि पेशेंस रहे उनमें उनकी टीचिंग्स इतनी अच्छी रही उन्होंने हमें तो माफ़ करना सिखाया अपने दुश्मनों को और कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर कोई भी जो भी बातें हैं वो हमें कभी भी बुराई करना नहीं सिखाती अगर आप डिवोटी हैं लॉर्ड गणेशा के अगर आप डिवोटी हैं किसी और या लॉर्ड कृष्ण जी के आप जिसको भी मानते हैं आई रिस्पेक्ट एवरी वन लेकिन विश्वास करना मानना हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना हर चीज़ की चॉइस हमारी है अगर आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पे विश्वास करते हैं तो यू हैव टू फॉलो द क्वालिटीज़ ऑफ़ योर गुरुज कि उनकी क्या लाइफ थी उनके क्या कर्म थे हमें उनके कर्मों को उनकी सोच को फॉलो करने की ज़रूरत है तो इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई भी आत्मा दुखी नहीं होगी और हर आत्मा में शांति रहेगी आई विश यू गॉड ब्लेस योर लॉट्स ऑफ पीस इन योर लाइफ इन योर सोल एज वेल एज़ इन योर फैमिली सो फ्रेंड्स आई होप यू लव दिस वीडियो अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप मेरे यूनिवर्स के सबसे ब्लेस्ड इंसान हो अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग बनिए और हमेशा ट्राई टू बी रियल इन योर लाइफ क्योंकि रियल इंसान ज़िंदगी में रियलिटीज़ क्रिएट करता है हिस्ट्रीज़ क्रिएट करता है सो जस्ट बी योर सेल्फ फर्स्ट एंड बी स्पेसिफ़िक टू वार्ड्स योर बिलीव टू वार्ड्स योर चॉइस टू वार्ड्स योर कॉन्फिडेंस ब बाय आई लव यू ऑल टेक केयर ब बाय